आगामी 30 जनवरी को कलायत की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर अनीता ढूल बड़सिकरी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान आज उन्होंने कलायत अनाज मंडी का दौरा किया व आढ़तियों, व्यापारियों, मजदूर व किसान भाई बहनों को रैली में पहुँचने का निमंत्रण दिया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान आढ़तियों, व्यापारियों, मजदूर व किसान भाई बहनों को संबोधित करते हुए कहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस रैली को कामयाब बनाएं। अनीता ढूल ने कहा है कि कलायत हलके की जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है और हजारों की भीड़ इस कार्यकर्ता सम्मेलन को एक ऐतिहासिक रैली का रूप देगी। उन्होंने कहा कि आज तक कलायत हलके से जो भी विधायक बना है उन्होंने यहां के मतदाता को केवल अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर यहाँ से मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी को जीता कर विधानसभा में भेजा जाए तो कलायत हलके की काया पलट होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पीसीसी के प्रदेश सचिव राजेश अंबरसर ने कहा है कि 30 जनवरी को रैली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे व पूर्व राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा व पूर्व सांसद नवीन जिंदल विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे और रैली को लेकर हलके की जनता में भारी उत्साह है। हलके के विभिन्न गांव में भी उनका जनसंपर्क अभियान चला हुआ है, ग्रामीण रैली को लेकर बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी उनका जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा। इस मौके पर उनके साथ सीओ सिंह राणा, मास्टर जीवन सिंह बसिकरी, राजा बड़सिकरी, राजेश सरपंच बड़सिकरी, प्रदीप खेड़ी, शेर खास, स्नेहा जागलान रोहड़े, राजेश जागलान रोहड़ा, अमित मलिक, अमित रेडू, जसविंदर चहल, करमपाल जाखोली, सोनू नंदकरण माजरा शामिल होंगे। इस रैली का नाम रखा है जनशक्ति सम्मान रैली। मैं जनशक्ति का सम्मान करती हूँ। आजकल जो भी पहले वोट तो ये आए हैं वोट लेने के लिए, सबने इस वोट का मिसयूज किया है, लेकिन मैं अपने कलायत हलके के विकास के लिए और अपने लोगों का साथ देने के लिए और जनशक्ति का सम्मान करने के लिए अपनी आज ये रैली कर रही हूँ 30 तारीख को, और सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए इकट्ठी हुई हूँ इस रैली में। तो हम मुझे सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, इन सब का मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ। अगर ये मुझे आगे बढ़ाएंगे मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगी, इनका कलायत हलके का पूरा विकास रखूँगी, इनके वोट को मिसयूज नहीं होने दूँगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर मेन मुद्दा तो विकास का ही रहेगा और जो ये इनकी नीतियाँ रही हैं इनको, हाँ, भाजपा की, उनमें काफ़ी सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इनको जो बोल तो देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लोगों से वोट ले लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा झूठा वादा नहीं करूँगी। मेरा तो ये रहेगा कि सबको आगे बढ़ाऊँ, सबको साथ लेके चलाऊँ, इनके मुद्दों पर उसके आगे रखूँ और लोगों, जनता का विकास करूँ। जो है माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे खुद उन्होंने दी है, वो मुख्य अतिथि होंगे। शैलजा जी और नवीन जिंदल जी वो भी साथ शिरकत करेंगे और अन्य प्रदेश भर के नेता भी आएंगे। बाकी सबसे बड़ी तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जनशक्ति का सम्मान होगा, जनशक्ति आएगी हमारे साथ। हरियाणा से मनोज मलिक, कैथल की रिपोर्ट।